जी अस्सलाम वालेकुम, राजा तिबिल आपके चैनल में आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज मैं अपने लिए वीडियो नंबर 2 लेके आया हूँ, जो हम ऑलरेडी चला रहे थे अपना ब्लॉगर और चैट GPT का यूज़ करके हम किस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि हम किस तरह से, अगर आप लोग चैट GPT को ओपन करते हैं तो आपका जो चैट GPT होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर आपको ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, जिस तरह से ये आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे। मतलब इसमें आपको हर चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके के साथ, आप इसके अंदर आपको 2680 जो हैं वो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें आप ब्लॉग को लिख सकेंगे। तो जैसे आउटरिंग, फुल SEO आर्टिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि आप जब चैट GPT को ओपन करेंगे तो आपका जो चैट GPT होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटेंशन लगाएंगे। आप चैट GPT के लिख लें AIPRM एक्सटेंशन। जब आप इस एक्सटेंशन को, ये देखिए हमारी गूगल में, आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आप, मैं मेरी क्योंकि ऑलरेडी से लगी हुई है तो यहाँ से आप अगर रिमूव करूँगा तो ये मेरा जो चैट GPT है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और मुझे ये इतने ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं ये मेरे से गायब हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको ऐड करेंगे और आपकी एक्सटेंशन जो होगी वो ऑपरेट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप चैट GPT का यूज़ करके अपनी जो आपकी ब्लॉग होगी, या उसके अंदर अगर कोई आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी ब्लॉग के ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ से मैं आपको कुछ और ट्रिक्स भी बता देता हूँ। ये अर्निंग के ऑप्शंस हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आप जब आपकी पोस्ट जो होंगी वो 40 से 50 हो जाएंगी, तब आपने अपना एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और उसको जो क्रिएट करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। उसके अलावा आप यहाँ से अपनी थीम्स जो होंगी उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से आपका ब्लॉग जो हो वो किस तरह का दिखना चाहिए। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस थीम को अप्लाई करता हूँ, तो ये आप इसको सिलेक्ट करें और इसको अप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कि मेरा ब्लॉग जो है वो किस तरह का यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये डिफरेंट लेआउट्स यहाँ पे हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा कि जिसमें हमारे पास यहाँ पे हेडिंग, ये देख लें कि मैंने अभी इसका थीम जो चेंज किया है तो ये हमारे पास आ गया, और आप इसको ओपन करें तो आपकी पूरा ब्लॉग जो होगा वो इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम हमारे पास जो किस तरह से हम यहाँ पे, जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे गूगल न्यूज़ में ओपन कर लेता हूँ, तो गूगल न्यूज़ को जैसे ही ओपन करते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हम, जैसे ये देखें यहाँ पे इनके प्रॉपर होम फॉर यू, फॉलोइंग, पाकिस्तान, वर्ल्ड, लोकल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हैं हेडर्स बने हुए हैं। तो ये हेडर्स यहाँ पे अभी हमें शो नहीं हो रहे, तो उस हेडर्स को हम कैसे शो करेंगे ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो आप मेरे जो कोर्स है इसको पूरा देखते रहिएगा, ताकि आपको मुकम्मल जो है ब्लॉगर और AI का यूज़ करके आपको पूरा बुरा सलो, और आप जो है एक मैक्सिमम पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो वो शॉर्ट थी, और सिर्फ मैंने आपको चैट GPT के अंदर, क्योंकि आप जब आर्टिकल्स लिखेंगे तो आर्टिकल लिखते हुए आपने उनको रीराइट करना है। यहाँ पे 100% ह्यूमन राइटर मतलब आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं ये सारे आप देख के यहाँ से आप लिख सकते हैं। आउटरैंक, बायर, कीवर्ड्स आपको बताएगा, ठीक है। वो कोई भी जो भी चीज़ें आपने यूट्यूब स्क्रिप्ट, तो यहाँ से आप सारी जो चीज़ें ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस जो है कल की वीडियो को मैंने, मतलब जो पहला लेक्चर था उसमें आपको नहीं दिखाया था, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको देख के आप अपने आर्टिकल जो हैं वो ब्लॉग के अंदर लिखें, और उनको उसी हिसाब से अपने कीवर्ड्स और जो लेबल्स हैं वो लगाते जाएँ, जिससे आपकी पोस्ट, मतलब मैं इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इसमें मैं पूरी आपको ब्लॉग के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारे हेडर्स को ऑप्शंस जो है कैसे लगाते हैं वो सारा तरीका बताऊंगा। तो जब तक जो आप ब्लॉग्स लिखते जाएं, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए और ज़्यादा मुफीद होगी। थैंक यू सो मच।